नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में नई सरकार ने अब तक क्या क्या फैसले ले लिए हैं, नई सरकार की कौन सी योजना राजस्थान में लागू हो गई है और कौन सी अब लागू होगी, जैसे 1 जनवरी से आपको 450 रुपये में सिलेंडर मिलना भी शुरू हो जाएगा, कैसे मिलेगा और किस किस को मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नई सरकार ने कौन कौन सी योजना को बंद करने का भी आदेश दे दिया है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि अब तक नई सरकार ने राजस्थान में कौन कौन से काम के आदेश दे दिया है जो लागू होने वाले हैं। जैसे अभी की बड़ी अपडेट है कि राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से प्रदेश की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री ने नए साल की सौगात देते हुए 1 जनवरी 2024 से प्रदेश की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1 जनवरी अरसाई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। योजना के तहत साल भर में कुल 12 सिलेंडर लाभार्थी ले सकेंगे। दोस्तों, सब्सिडी राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। भजनलाल सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम बदलकर अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपकी आसपास कई भी भारत संकल्प यात्रा शिविर लग रहे हैं, वहां आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, नए साल से आपको यह सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी सिलेंडर की कीमत 450 रुपये ही पड़ेगी। इसके अलावा पेपर लीक पर सरकार ने कल एक आदेश जारी किया है कि अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल पर की जाएगी। पेपर लीक और नकल के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक और नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल होगा। इस मामले में गुरुवार को सीएमओ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 9530428258 पर परीक्षा संबंधी गड़बड़ी की सूचना दी जा सकेगी। इससे पहले भी नई सरकार ने पेपर लीक में एसआईटी गठित करने के भी आदेश दिए थे, जिसमें पिछली सरकार में राजस्थान में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। पेपर लीक का मामला राजस्थान चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बन गया था। भाजपा ने चुनाव से पहले पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब राजस्थान में पेपर लीक के मामलों में एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा 2 दिन पहले सरकार ने आदेश दिया कि 1 जनवरी 2024 से बंद हो जाएगी राजस्थान में गहलोत की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना। इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी मैंने आपको दे दी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों, 1 जनवरी से नई सरकार राजस्थान में चलने वाली राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने का फैसला किया है। सरकार इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है साफ साफ 31 दिसंबर से राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाता है। दोस्तों, इस योजना में युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में 6 महीने से 2 साल तक की इंटर्नशिप करवाई जाती थी। कुल पूरे राजस्थान में 5,000 युवा इसे जुड़े हुए थे। इनकी सरकार योजनाओं को सोशल मीडिया पर प्रचार करना या लोगों को घर घर जाकर इन योजनाओं के बारे में बताना या कोई भी कार्ड बनाना होता तो उसके बारे में बताना होता था। इस इंटर्नशिप में युवाओं को 10,000 रुपए महीने दिए जाते थे, लेकिन अब नई सरकार ने इस नई साले से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अब इसमें फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, नई सरकार के आने के बाद राजस्थान में एक नया नियम लागू करने के बारे में आदेश आया था कि अब अभ्यर्थी आधार या 10वीं की मार्कशीट को आवेदन से लिंक करना होगा, तभी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। पेपर में नकल रोकने कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया प्लान, परीक्षाओं में नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब अभ्यर्थी आधार या 10वीं की मार्कशीट को आवेदन से लिंक करना होगा, तभी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने के भी आदेश दिए थे। राजस्थान में कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए भजन लाल ने बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पहली बैठक में भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। इसके साथ ही केंद्र की योजनाओं के लिए कमेटी बनाने के भी आदेश नई सरकार ने दिए थे। पहली बार के विधायक बनने के बाद सीएम पद की शपथ लेने वाले भजन लाल शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस तरह राजस्थान के नए मुख्यमंत्री ने सीएम पद ग्रहण करते हुए कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें पेपर लीक, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर फैसला लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नई सरकार के आदेशों में एक यह भी शामिल है कि सरकार ने सभी नए टेंडर वर्क ऑन ऑर्डर्स पर रोक लगाने के आदेश भी दिए थे। सरकार ने प्रदेश भर में टेंडर निकालने से लेकर नए काम शुरू करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन कामों के टेंडर प्रोसेस में है उन्हें भी रोक दिया है। पहले से मंजूर कामों को आगे बढ़ाने पर भी रोक रहेगी। वित्त विभाग ने नए
टेंडरों, वर्क ऑन ऑर्डर और नए कामों को शुरू करने पर रोक से जुड़े आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन कामों के टेंडर नहीं निकाले हैं उन्हें अगले आदेशों तक नहीं निकालने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार एक और भर्ती को रोकने के भी आदेश दे दिए है। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला बदलते हुए सरकार ने 50,000 पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। शांति और अहिंसा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने 100 दिन का प्लान भी बनाया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग में क्या क्या काम 100 दिन के अंदर होंगे उसके बारे में भी आदेश दिए हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण काम ये है कि अगले 90 दिनों में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 731,163 जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान के सरकारी स्कूल से छठी पास कर चुके जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की गाइडलाइन अगले 60 दिन में तैयार कर वित्त विभाग को भेजी जाएगी। इसके अलावा अगले साल 14 फरवरी ही बसंत पंचमी के मौके पर जयपुर से बालिकाओं को साइकिल वितरण करने की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा 12वीं पास कर चुके मेधावी स्टूडेंट्स को अगले 60 दिन में टैबलेट और लैपटॉप देने के लिए टेंडर की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में पिछले लंबे वक्त से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट अगले 30 दिन में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑनलाइन प्रवेश भीम शुरू करने के लिए अगले 60 दिन में NIC मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों यह थी राजस्थान की नई सरकार से जुड़ी जानकारी की। अब तक राजस्थान में क्या क्या आदेश आ गए हैं और योजनाओं के बारे में ऐलान हो गया है, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए।